पहले तो एक रूम में बंद करके 100 दिन पहले मारो उनको, उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे, ठीक है। बड़े क्या बोलते हैं, बड़े चेहरे और छोटा काम कर रहे हैं, नाम बड़ा और दर्शन छोटे कर रहे हैं, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सबको सबक सिखाना चाहिए। भाई मैं तो अब ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं लोगों से क्या कहूँ कि राज कुंद्रा से मेरे लिंक है तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई लिंक तो है नहीं। लिंक का तो खैर ये सवाल ही तो बवाल हो गए। तो मैं समझता हूँ कि ये होना ज़रूरी था, ये जो हुआ है ना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि क्या है, बड़े बड़े लोग चाहे वो वेब सीरीज़ में कहो, चाहे वो छोटे जहाँ भी हो, वो सेंसर ना होने का फ़ायदा बहुत उठा रहे थे। ऐसे ऐसी वेब सीरीज़ बना रहे थे जो आप घर में नहीं देख सकते, जैसे मैं खासकर नाम लेना चाहूँगा, मैं बहुत नफरत करता हूँ इन 3-4 लोगों से, लाइक मनोज बाजपेयी कितना ही बड़ा एक्टर होगा, कितने ही बड़े अवार्ड रिवार्ड उसके, पर उससे ज़्यादा बदतमीज़ आदमी, उससे ज़्यादा गिरा हुआ आदमी मैंने नहीं देखा। कि दुनिया तुमको राष्ट्रपति अवार्ड दे रहे हैं, फला अवार्ड दे रहे हैं, और कर क्या रहे हो तुम, फैमिली ऑडियंस के लिए कर क्या रहे हो, वेब सीरीज़ बना रहे हो, उसमें तुम ऐसी दुनिया बता रहे हो जहाँ बीवी का चक्कर कहीं और चल रहा है, तेरा कहीं और चल रहा है, माइनर बच्ची है वो कुछ और बॉयफ्रेंड की बात कर रही है, छोटा बेटा है वो कुछ वो अपने ये से ज़्यादा। तो ऐसी फैमिली होती है क्या ऐसी? अभी वो उसका सीज़न रोक दिया कि अब देखें लोनावाले में क्या हो रहा है, खंडाला में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, यही सब हो रहा होगा और क्या। तो उन्हें छोड़ा ही क्या होने के लिए, ठीक है। फिर वो मिर्ज़ापुर के जितने बदतमीज़ लोग हैं, मैं उनको बहुत नफरत करता हूँ ऐसे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बंद होनी चाहिए। ये भी एक पॉर्न है। और पॉर्न सिर्फ दिखाने का नहीं होता, विचारों का भी पॉर्न होता है, मतलब अपने। तो ऐसी सारी चीज़ें जो समाज को समझ में नहीं आती और समाज से परे होती है, वो समझ से परे होती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ जिसकी शुरुआत हुई है, इसको मैं देश के कानून को, पुलिस को और जिन्होंने खासकर मीडिया वालों को बहुत बधाई देता हूँ। होना ही चाहिए। जितने ऐसे गोरख धंधे चल रहे हैं, जितने ऐसे बड़े क्या बोलते हैं, बड़े चेहरे और छोटा काम कर रहे हैं, नाम बड़ा और दर्शन छोटे कर रहे हैं, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सबको सबक सिखाना चाहिए, ताकि अच्छे कलाकार, अच्छी कलाकृति, यार अच्छे थिएटर, अच्छी फिल्मों को थिएटर नहीं मिलते, ये बदमाशी कर रहे हैं लोग। वेब सीरीज़ वाले और फला वाले जो OTT प्लेटफॉर्म जो है, उनको तो पहले तो एक रूम में बंद करके 100 दिन पहले मारो उनको, उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे, ठीक है। ये जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म लेकर काहे को लेकर आए हो तुम, गंदगी फैलाने के लिए? समाज को देना क्या चाहते हो तुम? तो माल कमा के निकल जाओगे। उल्लू ऐप क्यों रखा? बोले लक्ष्मी का वाहन है, यही हमें लक्ष्मी दिलवाएगा। अब लेकिन नियत तो सही रखो, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सारे बदमाशों का अच्छा हुआ राज फार्स हो गया, और सबको सब पता था, कोई बचा नहीं है, सब एक दूसरे को जानते हैं, सब मिले जुले हैं, और सब पैसा कमाने से मतलब रखते हैं। जनता तक क्या पहुंच रहा है, समाज तक क्या पहुंच रहा है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, बुजुर्गों का अपमान हो रहा है, घर परिवार में क्या क्या वो दिखाते हैं, बाप रे बाप, क्यों दिखाते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ मनी, पैसा कमाने के लिए, है ना, जेब भरने के लिए। तो अच्छा हुआ, मैं मीडिया को बहुत बधाई देता हूँ, पुलिस को, कानून को बहुत बधाई देता हूँ। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।